नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने ही परिवार धर्मेंद्र अकेडमी में। मित्रों, DLED थर्ड सेमेस्टर एग्जाम के लिए जो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चनों की जो क्विक फर्स्ट रिवीजन चल रहा था, उसी को कंटिन्यू करते हुए टुडे यानी आज सामाजिक अध्ययन के टॉप 50 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला का पार्ट सेकेंड है। इससे पहले हमारा पहला भाग आ चुका है, आप उसे आई बटन पर लिंक पर अदरवाइज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के बेहतर तरीके से देख सकते हैं मित्रों। क्योंकि हमारे द्वारा जो भी क्विक फर्स्ट रिवीजन चलाया जा रहा है, आपके लिए बेहतर, आपके लिए एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो आपका टारगेट लक्ष्य रखा है 95+ मोर देन एकेडमिक स्कोर को लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बेहतर और सेलेक्टेड क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मित्रों। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि समय से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा मित्रों। और वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और मोर देन शेयर करेंगे मित्रों। देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का जो क्विक फर्स्ट रिवीजन का पहला ही क्वेश्चन है मित्रों, टुंड्रा वन किसे कहते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं जो आते हुए हमसे ना आते हैं, ठीक है, तो उनको ध्यान में रखना है। तो टुंड्रा जो वन होते हैं, एक ऐसे वन होते हैं या एक ऐसा क्षेत्र होता है जो बर्फ से ढका हुआ होता है, ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं, जहाँ पर गर्मी के मौसम में जो मॉस तथा लाइकेन उगते हैं, यानी मॉस और जो लाइकेन के जो पौधे होते हैं वो उगाते हैं। और ये लाइकेन का जो पौधा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ये प्रकृति यानी पर्यावरण के जो प्रदूषण का सूचक होता है। इसमें अगर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जहाँ पर उस वायुमंडल में वृद्धि करती है तो ये पौधा वहाँ से उसको सूचना देता है, यानी वहाँ पर ये पनपता नहीं है। तो हम जान सकते हैं कि ये क्या है, एक पर्यावरण सूचक पौधा है, जिसे आप याद रखेंगे बेहतर तरीके से, मॉस लाइकेन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो घाघरा का युद्ध कब और किसके मध्य में हुआ था, यानी घाघरा का जो युद्ध हुआ था इसमें कौन विजयी हुआ था और किन किन के बीच में लड़ा गया था और कब हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जो भी आपके युद्ध हैं, पानीपुर पर चौसा है, चंदेरी का आदि, सभी आपको याद रखने की इसके लिए ट्रिक वीडियो है, आप उसे देख लीजिए। तो 6 मई 1529 को जो है घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें अफगानों एवं बाबर के मध्य में, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, विजयी कौन हुआ था, बाबर विजयी हुआ था। किन किन के मध्य में हुआ था, अफगान एवं बाबर के मध्य में हुआ था। 6 मई 1529 को हुआ था घाघरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए। कई बार क्रम पूछ लिया जाता है या प्रथम और अंतिम पूछ लिया जाता है, तो सभी आपको ध्यान में रखने होंगे, जिसे आप पहला और अंतिम भी बता सकते हैं। अगर एक सीक्वेंस में पूछा जाता है तब भी आप बता पाएंगे। तो सबसे पहले पुर्तगाली 1498 ईस्वी, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, और डच जो है 1602 ईस्वी में आए, डेनिस 1616 ईस्वी में, और फ्रांसीसी जो है 1664 ईस्वी में आए थे। इसके लिए ट्रिक आपको याद रखनी है, यानी पुर्त 1498 की सभा में, ठीक है, याद रख लीजिए, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसकी सभी को याद कर सकेंगे। तो पुर्त 1498 की सभा में 16 अंग्रेज, 2 डच, यानी कि 1602 और 1600 अंग्रेज, और 1664 डेनिस फ्रांसीसी आए। 1664 का मतलब 1616 डेनिस और 1664 में फ्रांसीसी। ये ट्रिक के माध्यम से आप इसको बेहतर तरीके से याद कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रत्यक्ष कर से आप क्या समझते हैं या क्या आशय स्पष्ट कीजिए। देखो, कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर जो सीधे करदाता से वसूल किया जाता है, और अप्रत्यक्ष कर जो सीधे करदाता से ना वसूल करके दूसरे व्यक्ति पर डाल दिया जाता है, उसे अप्रत्यक्ष कर आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर एक ऐसा कर होता है जो स्वयं व्यक्ति ना चुकाकर उसे अन्य व्यक्ति पर द्वारा डाल दिया जाता है या चुकाया जाता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल अगर पूछे जाते हैं, सेवा कर है, सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क है आदि, ये सभी जो हैं आपके अप्रत्यक्ष यानी कि परोक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका, शिवाजी का जो राज्याभिषेक कब और किसके द्वारा किया गया था या कहाँ पर हुआ था, इस तरह भी इसमें इंक्लूड यानी कि प्रश्न में जोड़ा जा सकता है। तो ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर देने की कोशिश की है, और इस तरह क्वेश्चनों को निर्मित किया गया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराया जा सके मित्रों। तो जो शिवाजी का राज्याभिषेक है वो 1674 ईस्वी में हुआ था, याद रखना होगा, 1674 ईस्वी शिवाजी राज्याभिषेक हुआ था, रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये पूछा जाता है, तो रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो गंगवट जी के द्वारा इनका जो है राज्याभिषेक किया गया था, रायगढ़ के दुर्ग में 1674 ईस्वी के में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीन ही अंग होते हैं। ठीक है, तो जो लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, ये आपको विशेष याद रखना होगा। यहीं पर राज्यसभा का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति की कितनी उम्र होती है, ये भी आपको याद रखनी होगी इसमें।
नेक्स्ट आपका भारत के प्रथम एवं वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम बताइए। कई बार करंट से भी और प्रीवियस को एक साथ जोड़ करके प्रश्न तैयार कर लिया जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो भारत के जो सबसे पहले यानी प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं यानी कि वर्तमान समय में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। अगर कार्यकाल पूछा जाता है तो आप कार्यकाल को भी याद रखेंगे इसमें। नेक्स्ट आपका समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार होता है। तो देखिए अगर सूचियां पूछी जाती हैं तो सूचियां तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र का होता है, और समवर्ती सूची जो होती है इसमें जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो दोनों का होता है, केंद्र एवं राज्य दोनों इसमें कानून बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जजिया कर कब और किसके द्वारा समाप्त किया गया था। कई बार कुछ ऐसे कर्ज हैं जो किन किन के द्वारा लाए गए थे, कब लाए गए थे या किसके द्वारा समाप्त किया गया था, कुछ ऐसी प्रथाएं हैं वो अभी आपको याद रखनी होंगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो जो जजिया कर था जो हटाया गया था या समाप्त किया गया था वो 1564 ईस्वी में इसको हटाया गया था, समाप्त किया गया था, और अकबर के द्वारा यानी अकबर के शासनकाल में अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में जजिया जो कर था, जो लगने वाला कर था, उसे हटाया गया था या समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राज्य के उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है। यदि आप किसी भी जो जज हो, सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट होता है, अगर आप इनके सिंगल और डबल बेंच के न्याय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है आप उसमें अपनी अपील की जा सकती है, यानी कहाँ पर की जा सकती है, उच्च न्यायालय में की जा सकती है, ठीक है। कहाँ पर की जा सकती है, अगर आपके राज्य के जो न्यायालय होता है उससे अगर किसी आपके से संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, जिसमें अगर यहाँ से यह भी बनता है कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है या आयु समय होता है वो पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे 65 वर्ष तक वह उनका न्यायाधीश जो होते हैं उच्चतम न्यायालय के उनका कार्यकाल या कार्यकाल आयु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत के संसद के अंग लिखिए। तो भारत के संसद के तीन अंग होते हैं, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर के भारत की संसद बनी होती है, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, बेहतर तरीके से याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका है महाभियोग चलाए जाने पर राष्ट्रपति को कितने दिन पहले सूचित किया जाता है, यानी अगर आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा रहा है, ठीक है, जिसके पद से पदच्युत किया जा सकता है, ठीक है, तो उसको 14 दिन पहले यानी कि 2 हफ्ते पहले, अगर 2 सप्ताह भी आते हैं तो भी याद रखना होगा, उसको सूचित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। देखो कुछ सेलेक्टेड ऐसे विधेयक होते हैं जो केवल और केवल लोकसभा में, जैसा कि आपका वित्त विधेयक है जो कि केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। कुछ छोटे छोटे ऐसे पॉइंट होते हैं जो याद होते हुए कई बार दिमाग से निकल जाते हैं, इसलिए क्विक फास्ट रिवीजन में आप बेहतर तरीके से इनको रिवीजन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिवाजी द्वारा लगाए गए प्रमुख 2 करों के नाम लिखिए। ठीक है, कई बार पूछ लिया, 2 या 3 या कोई 1 कर पूछ लिया जाता है या प्रमुख कर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखने होंगे शिवाजी के द्वारा जो लगाए गए कर प्रमुख कर थे, चौथा और सरदेशमुखी थी, 2 पूछे गए, 2 ही आप लिख दीजिए। नेक्स्ट आपका बाबर की पुत्री कौन थी तथा उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चनों को तैयार किया हुआ है। तो बाबर की जो पुत्री थी, वो पुत्री जो थी वो गुलबदन बेगम थी, यूनुदय आप सभी जानते हैं, ठीक है, तथा उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ था, तो बाबर के बाद उसका जो उत्तराधिकारी हुआ था उसका बेटा हुमायूं हुआ था। बाबर के पुत्रों का नाम पूछा जाता है तो इसके 4 पुत्र थे, 1 बेटी थी, ठीक है, गुलबदन बेगम जो इसकी बेटी थी, कामरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं, ये इनके 4 पुत्र थे, ठीक है, याद रखेंगे इनको बेहतर तरीके से। उम्मीद करता हूँ मित्रों ये आपके लिए क्विक फास्ट रिवीजन की जो वीडियो है वो आपके लिए एक तरह से रामबाण का कार्य करेगी। मित्रों अगर वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक मोर देन शेयर करेंगे। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय से आपको लेटेस्ट तैयारी और अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।